हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस वैद्यवाकर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संगोष्ठी सेमिनार, यानी संगोष्ठी या सेमिनार, साथ ही साथ इसमें हम लोग देखेंगे परिसंवाद, संगोष्ठी और कार्यशाला में अंतर, और सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और सिंपोजियम। क्लियर। इसमें हम लोग इसके बारे में देखेंगे कितने स्टेप्स या कित क्या आप इससे फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ आगे चल के इसी में लास्ट में हमने सभी का डिफरेंस एक साथ देख लिया जाएगा कि वर्कशॉप, सिंपोजियम, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस में क्या अंतर है। विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस के आधार पे हम लोग विभिन्न टाइप ऑफ वेस के आधार पे यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या इसमें डिफरेंसेज पाया जाता है। तो ये लेक्चर आपका जो पूरा बेस्ड है वो आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड से ही है, और आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड को कम्प्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखिए एक टॉपिक बचेगा, वो है आपका रिसर्च में ही थेसिस है और अप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो रिसर्च में शोध का जो आईसीटी है उसका क्या यूजेस है, क्या एप्लीकेशंस हैं, और थेसिस, इन दोनों को आज जो टेस्ट होगा वो आपका होगा यूनिट फर्स्ट से ही टेस्ट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट, यानी कि आज ही हम वीडियो आपको उसका भी आईसीटी का भी प्रोवाइड करा देंगे इसी में। क्लियर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे। तो आज यानी कि यूनिट नंबर 2 कम्प्लीटली आपको यहाँ पर कर दिया जाएगा, और इस आधार पर लगभग आपका ये 10 दिन यूनिट चला है। तो 10 दिन यानी कि आपका जो ये कंप्लीट यूनिट है, 10 दिन में हमने 10 टेस्ट भी आपसे कराए थे, तो लगभग 12 टेस्ट हो गए हैं। कल 2 टेस्ट एक साथ दे दिया गया था, तो आज भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने के। ठीक, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले ये जानते हैं कि सेमिनार क्या है। प्रश्न आपसे कई बार पूछे जाते हैं, और आपकी कक्षाओं में भी, या जो भी एकेडमिक आपके हैं, या पीजी में भी, या पीएचडी करेंगे तब भी, तो आपको सेमिनार अटेंड करना पड़ता है, या सेमिनार आपके विभाग में आयोजित कराए जाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे कि सेमिनार में होता क्या है। सेमिनार में शोधकर्ता के द्वारा चिंतन स्तर को सुसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था की ओर लाया जाता है। यानी कि सेमिनार ऐसी प्रक्रिया है जो शोधकर्ता के चिंतन स्तर को सुसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था की ओर लाता है। इसके द्वारा मनुष्य की उच्च क्रिया शक्तियों का पोषण किया जाता है, और उसे चिंतन की नई दिशा की ओर उन्मुख किया जाता है। इसे चिंतन की अंतःक्रिया भी कहते हैं, जो आपका संगोष्ठी है, विचार गोष्ठी है या सेमिनार है। इसमें क्या होता है कि चर्चा करके, कैसा चर्चा होता है इसमें, सामूहिक चर्चा होता है। तो सामूहिक चर्चा करके विषय के जटिल पक्षों की सरल व्याख्या इसमें की जाती है। संगोष्ठी में प्रतिभाग करने वाले सभी सदस्यों को अपने विचारों को रखने के लिए इसमें उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। वो सभी जो प्रतिभाग करने वाले हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अपने विचार सेमिनार में रखें, और उन्हें पूर्णतः स्वतंत्रता दी जाती है। अगला है कि प्रोसेस ऑफ सेमिनार, सेमिनार की प्रक्रिया क्या होती है, कि किस किस तरह से सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, क्या प्रक्रिया है। तो सेमिनार यानी संगोष्ठी हेतु किसी प्रकरण या विषय का चयन करना होता है। सबसे पहले आपको कोई टॉपिक क्लियर करना पड़ता है। जब आपके पास टॉपिक हो जाता है तब, और चूंकि सेमिनार क्या है, ये पूर्व नियोजित प्रक्रिया, यानी कि पहले से ये निर्धारित होती है और पहले से आपको बताना पड़ता। प्रकरण प्रपत्र में तैयार करने वाला व्यक्ति को हम लोग यहाँ पे वक्ता कहते हैं, यानी जो आपका लेटर तैयार करता है वो आपका वक्ता होता है।
विषय वस्तु की जानकारी सभी को पहले से ही बता दी जाती है, जिससे संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन और विषय वस्तु को समझने में मदद मिलती है। अर्थात कि जो यहाँ पे टाइटल है सेमिनार का, जो भी जिस टॉपिक पे सेमिनार आयोजित हो रहा है जहाँ पे, उस टॉपिक का वहाँ पे डिटेल बता दिया जाता है कि इसका ये है और इस तरह से आपको करना है। विभिन्न संस्थानों से व्यक्तियों को इसमें बुलाया जाता है। और संचालन की प्रक्रिया कौन करता है? तो संचालन को अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया जाता है। संगोष्ठी के कार्य संचालन के लिए सहभागियों में से ही अध्यक्षों का ही चयन किया जाता है। परिचर्चा में अध्यक्ष की अनुमति से सभी वक्ता अपने अपने विचार रखते हैं, और साथ ही साथ जब प्रकरण प्रस्तुत हो जाए यानी कंप्लीट हो जाए जो भी चल रहा है, तब अध्यक्ष क्या करता है कि प्रश्न पूछने को भी बोलता है। उसके बाद अध्यक्ष अपना विचार प्रस्तुत करता है और संगोष्ठी की कार्यप्रणाली या परिचर्चा के प्रमुख जो एलिमेंट्स होते हैं उसके आलेख तैयार किया जाता है। फिर उसमें जो है प्रकरण और वाद विवाद के निष्कर्षों को उसमें प्रकाशित किया जाता है कि क्या प्रकरण के वाद विवाद रहे थे। अगला है संगोष्ठी के उद्देश्य। संगोष्ठी के उद्देश्य में हम लोग देखेंगे दो प्रमुख उद्देश्य, और दोनों उद्देश्य अपने में एक प्रकार को समाहित किए हुए हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है कि शोधकर्ता विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन संबंधी योग्यताओं का विकास करता है। संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है कि शोधकर्ता के अंदर यानी शोधकर्ता में विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन संबंधी योग्यताओं का विकास करना। शोधकर्ता में निरीक्षण तथा अनुभवों के प्रस्तुतीकरण की क्षमता का भी विकास करना, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं संगोष्ठी के। आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का भी विकास करना, और साथ ही साथ किसी भी प्रकरण की समस्या को दूर कर साथ ही उसके प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करना। भावात्मक उद्देश्य की बात करें, एफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, तो शोधकर्ता में भावात्मक स्थिरता का विकास करना, अन्य शोधकर्ताओं के शोध परिणामों या उपागमों की प्रशंसा करना और उसे प्रेरित करना, अन्य शोधकर्ता के विरोधी विचार, निष्कर्ष और दृष्टिकोण के प्रति सहनशीलता की भावना विकसित करना, साथ ही कार्य शोधकर्ता के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना। संगोष्ठी के प्रकार। संगोष्ठी के कई प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे चार प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है लघु संगोष्ठी, मिनी सेमिनार। दूसरा है मेन सेमिनार, मुख्य संगोष्ठी। तीसरा है नेशनल यानी राष्ट्रीय। चौथा अंतर्राष्ट्रीय। तो लघु संगोष्ठी यानी मिनी सेमिनार क्या होता है कि कक्षा में किसी विषय पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई संगोष्ठी। बड़ी या मुख्य मेन सेमिनार क्या होता है? तो मेन सेमिनार ऐसे सेमिनार होते हैं जो किसी डिपार्टमेंट के स्तर पर आयोजित किया जाता है, और इसे मेन सेमिनार या मुख्य संगोष्ठी कहते हैं। अगला है नेशनल लेवल का, जो राष्ट्रीय स्तर का होता है। इसमें किसी संगठन द्वारा आयोजित संगोष्ठी को राष्ट्रीय संगोष्ठी कहते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, इंटरनेशनल सेमिनार। ऐसी संगोष्ठियाँ जिनका आयोजन यूनेस्को या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किया जाता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय कमेटी कहते हैं या संगोष्ठी कहते हैं। संगोष्ठी के आयोजन में प्रमुख तत्व भी शामिल होते हैं, जिसमें आपका नंबर एक है व्यवस्थापक यानी ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर संगोष्ठी की कार्य योजना को तैयार करता है, उसके विषय को तय करता है, अलग अलग वक्ताओं को आवंटित भी करता है। उसके बाद आते हैं अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष का क्या काम होता है कि पूरे कार्यक्रम को निर्देशित करना, संगोष्ठी के विषय पर चर्चा करना,
और तीसरा है स्पीकर यानी वक्ता। वक्ता ये आपका विषय का अच्छी तरह से तैयार करके उसका कॉपी प्रतिभागियों को देता है और संप्रेषण और विषय वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। अगला है पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागी। प्रतिभागी आपस में अच्छी तरह से परिचित हों और साथ ही साथ वक्ता के प्रदर्शन की प्रशंसा करनी चाहिए। प्रतिभागी को याद रखने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का में भी सक्षम होना चाहिए। संगोष्ठी में कम से कम 25 से 30 प्रतिभागी शामिल होते हैं। संगोष्ठी की कुछ विशेषताएं भी हैं। उच्च चिंतन का विकास होना चाहिए, सदन विचारों को प्रोत्साहन होना चाहिए, सकारात्मक और भावात्मक गुणों को मिलना चाहिए, स्वाभाविक अधिगम प्रक्रिया का विकास होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण एवं तर्क क्षमताओं का भी विकास होना चाहिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होना चाहिए, वाद विवाद संबंधी कौशल का भी विकास होना चाहिए, आलोचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास होना चाहिए। ये सभी सेमिनार के करैक्टरिस्टिक्स या एडवांटेज रहे हैं। संगोष्ठी के कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि सेमिनार को विषय वस्तु की सभी सामग्रियों पर व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है यह। इस तकनीक का उपयोग शिक्षण के सभी स्तरों में नहीं किया जाता। संगोष्ठी और कार्यशाला में डिफरेंस। समय देखिए, संगोष्ठी में 90 से 33 घंटे, कार्यशाला में 3 दिन से 10 दिन। संगोष्ठी में सैद्धांतिक निर्माण होता है कि कार्यशाला में नहीं होता। इसमें विषय पूर्व नियोजित होता है, साथ ही विषय के संबंध में प्रतिभागियों को पहले ही संक्षेप में बता दिया जाता है। इसमें संगोष्ठी के सभी तत्व इस कार्यशाला में कि संगोष्ठी के सभी तत्व शामिल होते हैं। कार्यशाला एक व्यवहारिक प्रयोग था यानी प्रयोग होता है। कार्यशाला में भी विषय पूर्व नियोजित होता है और साथ ही साथ भाग लेने वालों को ये पता भी नहीं होता कि जो विषय है वो क्या है, हालांकि पहले से स्थापित हो जाता है। 50 से लेकर 100 या अधिक प्रतिभागी संख्या सीमित के अंतर्गत आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आइए सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे आपने सेमिनार का चर्चा कर लिया, अब आते हैं कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो कॉन्फ्रेंस एक प्रकार की औपचारिक बैठक होती है जो ये प्रदर्शित करती है कि प्रतिभागी विभिन्न विषयों पर सूचनाओं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें सदस्य अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं पर भी विचार करते हैं। बड़े प्रकार के समूह की सभा होती है जिसमें सभी सदस्य अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। प्रतिभागियों के समूह द्वारा सम्मेलन के उद्देश्य व कर्मचारियों को समूह वरिष्ठ व्यक्ति या नेता के द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यह उच्च शिक्षा में अधिगम की एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है या विधि है। शोधकर्ता इसके द्वारा अनुसंधान के क्षेत्र में संज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। सम्मेलन के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंस। नंबर एक है क्षेत्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय। क्षेत्रीय सम्मेलन में क्षेत्रीय समस्याओं के संदर्भों में सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्र संबंधी विषयों पर सम्मेलन, धार्मिक और सामाजिक। अंतर्राष्ट्रीय में यूनेस्को और यूएनओ द्वारा मानवीय समस्या पर बल। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट आइए सम्मेलन के कुछ लाभ देख लेते हैं, क्या एडवांटेज हैं। स्वतंत्र अध्ययन अभिवृत्तियों का विकास होता है, कार्य करने के नए तरीके और कौशल का विकास होता है, समान विचारधारा वाले लोगों से मिलने व बातचीत करने का अवसर मिलता है, सहयोगात्मक भावना द्वारा समस्या समाधान की क्षमताओं का विकास होता है, अनुसंधान संबंधी समस्याओं की प्रत्येक अक्ष अनुसंधान संबंधी समस्याओं को प्रत्येक अक्ष का स्पष्ट निरूपण होता है, संयम धैर्य कार्य कुशलता सहनशीलता जैसे गुणों का भी इससे विकास होता है। सिंपोजियम यानी परिसंवाद क्या है, इसका अर्थ होता है बौद्धिक मनोरंजन।
सिंपोजियम यानी बौद्धिक मनोरंजन की अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। और कहा जाता है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में किसी बात विषय आदि के संबंध में होने वाले तर्कपूर्ण विवाद या वाद विवाद या तर्कसंगत या विचारपूर्ण वाद विवाद को परिसंवाद कहते हैं। परिसंवाद के द्वारा कोई व्यक्ति सामूहिक स्थिति में किस प्रकार दूसरों से विचारों का आदान प्रदान कर पाता है, इसी क्षमता को इसमें आंका जाता है। परिसंवाद कोई व्यक्ति सामूहिक स्थिति में किस प्रकार दूसरों के विचारों का आदान प्रदान कर रहा है या कर पाता है, इसी की क्षमता की माप है। सामूहिक निर्णय लेने के लिए एक सर्वोत्तम विधि है जिसे अधिकांश लोग निर्णय के पक्ष में रहते हैं, ऐसा सिंपोजियम में कहा गया। इसके द्वारा कोई व्यक्ति सामूहिक स्थिति में किस प्रकार दूसरों से विचारों का आदान प्रदान कर पाता है, इसी क्षमता की माप होती है। यह सामूहिक निर्णय लेने की सर्वोत्तम तकनीक है जिससे अधिकतर लोग निर्णय के पक्ष में मतदान करते हैं। एमएनसीज आदि कंपनियों में जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उसके परीक्षण करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, यानी सिंपोजियम आयोजित किया जाता है। श्रोतागण को निर्णय लेने की भी स्वतंत्रता होती है इसमें। साथ ही साथ उद्देश्यों की बात करें तो एक बार यहाँ पे देखिए कि तात्कालिक समस्या के विभिन्न पक्षों की जानकारी व पहचान की क्षमता इसमें होती है। उद्देश्य की बात कर रहे हैं हम लोग। सहभागिता के अवसर प्रदान करना, इसकी क्षेत्र संबंधी समस्याओं के समाधान एवं स्पष्टीकरण संबंधी अवसर प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। विशेषताओं की बात करें तो यह विषय या समस्या के विभिन्न पक्षों की व्यापक समझ रखता है। श्रोताओं की समस्या के बारे में फैसला लेने का अवसर भी प्रदान करता है। संश्लेषण, सहयोग, मूल्यांकन, समायोजन आदि से संबंधित योग्यताओं का विकास भी करना होता है इसका उद्देश्य। परिसंवाद के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिंपोजियम। तो जो आपका सिंपोजियम है यानी परिसंवाद है, इसे दो प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन है प्रथम प्रकार का समूह। तो प्रथम प्रकार के समूह समन्वयक द्वारा शोधकर्ताओं को एक विषय दिया जाता है, यानी कि जो प्रथम प्रकार के समूह समन्वयक होते हैं यानी ग्रुप कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो भी रिसर्चर हैं उनको एक सब्जेक्ट दिया जाता है, एक विषय दिया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है, और इसके आधार पर शोधकर्ताओं को कहा जाता है कि एक निश्चित अवधि तक वो इस पर परिचर्चा करें। जबकि दूसरे प्रकार में समूह को व्यक्ति अध्ययन यानी केस स्टडी, यानी ग्रुप को केस स्टडी की स्थिति की प्रतिलिपि दी जाती है। कोई केस स्टडी है उसकी कॉपी बांट दी जाएगी, फोटोकॉपी, और शोधकर्ता या अभ्यर्थियों को 3 या 4 मिनट का समय उसे पढ़ने व समझने के लिए दिया जाता है। उसके बाद केस स्टडी के आधार पर जो भी प्रश्न उसमें दिए जाते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करनी होती है। क्लियर हुआ? तो सिंपोजियम आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। सिंपोजियम के बाद यहाँ पे एक आती है RDC। वैसे ये आपका टॉपिक है नहीं, लेकिन जब आप कहीं PhD करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको यही कराया जाएगा। तो RDC क्या है कि ये विश्वविद्यालय द्वारा गठित अनुसंधान डिग्री समिट कोर्स होती है, और इस कोर्स में सफल होने के बाद उम्मीदवार को PhD में पंजीकृत होने का अनुमोदन प्राप्त ही हो पाता है। यानी यदि आप RDC में फेल हो जाएंगे तब आपको PhD में एडमिशन आपका नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, हमने एक साथ आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या अंतर होता है। प्रश्न आपके यहाँ से कई बार पूछे जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यानी प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर क्या अंतर होता है। तो जो सेमिनार है ये आपका स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है, इसमें 5 से 10 लोग, 25 से 30 लोग, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 लोग हो पाते हैं। जबकि कॉन्फ्रेंस क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, 1000 लोग हो सकते हैं। सिंपोजियम ये लेसर
लेसर डेलीगेट्स दैन कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो सम्मेलन है कॉन्फ्रेंस से कम इसमें डेलीगेट्स होते हैं, यानी कि 1000 से कम होंगे सिंपोजियम या परिसंवाद में। वर्कशॉप यानी कार्यशाला, तो कार्यशाला में भी आपका कॉन्फ्रेंस से भी कम होते हैं। क्लियर हुआ? तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स किस में होते हैं, कॉन्फ्रेंस सेमिनार सिंपोजियम वर्कशॉप, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा कॉन्फ्रेंस में। हु आर द पार्टिसिपेंट्स, तो इसमें कौन भागीदारी कर सकता है सेमिनार में? मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी संगठन सेमिनार आयोजित करा रहा है वो संगठन से संबंधित व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं, और जो सदस्य हों। कॉन्फ्रेंस का कौन भाग ले सकता है? एनी वन हु हैज सम नॉलेज स्कॉलर एक्सपर्ट, जो भी व्यक्ति मन करे सब भाग ले सकते हैं। सिंपोजियम में एक्सपर्ट इन दियर फील्ड्स, यानी कि अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ ही यहाँ पे भागीदारी कर सकते हैं सिंपोजियम में। वर्कशॉप यानी कार्यशाला में एनी वन कैन टेक पार्टिसिपेट, तो जो वर्कशॉप है या कार्यशाला है कोई भी इसमें भाग ले सकता है। एरिया जोग्राफिकली, तो जो क्षेत्रफल है भौगोलिक दृष्टिकोण से कैसा है, कितने एरिया में। विद इन वन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी को सेमिनार कह देंगे, यदि वह नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस हो जाएंगे, और सिंपोजियम भी आपका नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे होता है, वर्कशॉप आपका लोकल लेवल पे होता है। ठीक, तो यहाँ पे और भी बेसिस हैं जिसके आधार पे आपको कहा जा सकता है। टाइम वर्क टाइप के बारे में, यानी कि कार्य के प्रकार के बारे में, प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन, और ये आपका टाइम की बात करें तो सेमिनार का जो टाइम है वो 1 घंटे से ज़्यादा हो सकता है। कॉन्फ्रेंस कई दिनों तक होते हैं, सिंपोजियम 1 दिन का होता है, वर्कशॉप आपका ओनली अ डे आर 2 डे लॉन्ग, यानी 1 से 3 दिन या 10 दिन तक हो सकता है। नेक्स्ट है वर्क टाइप, प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन, तो सेमिनार में क्या होता है कि जो कार्य होता है उसमें प्रेजेंट करते हैं कुछ, डिस्कस होता है। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स एक्सचेंज दियर व्यूज़, और सिंपोजियम में क्या होता है सिंगल डे, फ्यू नंबर ऑफ एक्सपर्ट विल कम टुगेदर, डिस्कशन फोकस इज ऑन प्रेजेंटेशन एंड लेक्चर्स, यानी प्रेजेंट दियर वर्क्स एज अ टॉक एज अ पोस्टर, इसमें पोस्टर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बोल के दिखाना है, और इसमें ये आपका प्रेजेंटेशन देखता है। वर्कशॉप में क्या होता है कि ओनली अ डे आर 2 डे लॉन्ग, एम्फेसाइज ऑन हैंड टू हैंड प्रैक्टिस आर एब्रोटरी वर्क, पार्टिसिपेंट्स लर्न न्यू स्किल्स एंड टू फैमिलाइज विद समथिंग न्यू। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोग इतना ही देखेंगे, और आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा थीसिस राइटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, करैक्टरिस्टिक्स, एंड उसमें जो समस्याएं हैं या त्रुटियां हैं। और नेक्स्ट इसी में रहेगा आपका ICT का यूज क्या है रिसर्च में। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को में कमेंट ज़रूर करिएगा अपना जो भी आपका व्यू हो।